हाय एवरीवन, मैं हूँ जसस्विनी। आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे डिवाइन स्पिरिचुअल चैनल जसस्विनी द डिवाइन फेमिनाइन ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, 6 जून 2024 को पढ़ रही है शनि जयंती एंड वट सावित्री का व्रत। जितने मैरिड लोग हैं वो तो डेफिनेटली इस व्रत वट सावित्री का व्रत तो रखेंगे ही, लेकिन जितने अनमैरिड लड़कियां हैं एंड चाहते हैं अपनी मनपसंद की पर्सन से स्पेसिफिक पर्सन से शादी आपकी हो जाए अच्छे ढंग से बिना किसी टेंशन के, फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो अपनी स्पेसिफिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में लीगली परमानेंटली फॉरएवर के लिए आ जाए, तो डेफिनेटली आपको इस व्रत जो सावित्री अमावस्या का जो व्रत है ना, आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। पूरा सात्विक ढंग से ज़रूर रखिएगा एंड जो बरगद की पेड़ है ना, उनकी पूजा बहुत प्यार से, भक्ति से, ट्रस्ट के साथ करिएगा। डेफिनेटली आप 100% सक्सेसफुल रहेंगी। एंड व्रत आप कैसे करेंगे, इंटरनेट में भरा पड़ा है, आप वहाँ से निकलकर कर लीजिए। अगर इस वीडियो में बोलने लगूंगी ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट उपाय की तरफ। फ्रेंड्स, जो शनि जयंती पड़ रही है इसी 6 जून को, आपको क्या करना है उस दिन, फ्रेंड्स, आपको काले कौए को 100% काले कौए को डेफिनेटली रोटी खिलानी है। खुद अपनी हाथों से रोटी बनाइए एंड 2 रोटी बनानी है आपको। फ्रेंड्स, एक रोटी आप काले कौए को खिलाइए, दूसरा रोटी ले जाकर चौराहे पर ले जाकर वहाँ पर रख कर अपनी मनोकामना को बोलते हुए बिना पीछे मुड़े, बिना देखे सीधा घर वापस चले आइए। आपकी विश 100% पूर्ण होगी। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको लेनी है 250 ग्राम्स की काला जो राई है ना, राई, उसको लेनी है, मस्टर्ड सीड्स जिसको हम बोलते हैं उसको लेनी है एंड काले कपड़े में उसको रैप करके, बंद करके, टाई करके आपको लेकर किसी भी शनि मंदिर में जाकर रखानी है। वहाँ पे अगर पीपल की पेड़ हो उसके जड़ में रख कर अपनी मनोकामना को बोलते हैं बिना मुड़े, बिना देखे आप चुपचाप वहाँ से चले आइए। फ्रेंड्स, ये काम आप किसी भी पीपल के पेड़ के जड़ में रखकर आ सकते हैं, नहीं तो शनि मंदिर जो है वहाँ पे अगर पीपल की पेड़ है वहाँ पे भी आप रखकर आ सकते हैं। ये बहुत एक बड़ी उपाय है। फ्रेंड्स, बिना मुड़े, बिना देखे रखकर चुपचाप लौट आइए। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पीपल की पेड़ के जड़ के पास जाकर डेफिनेटली सरसों का तेल का दिया या फिर जो तिल का तेल का दिया होता है उसको भी आप जला सकते हैं। शनि जयंती के दिन डेफिनेटली आप ये टेक्निक कीजिएगा। ये जो काले कौए को खिलाना है एंड ये जो पीपल की पेड़ में ये तिल का तेल का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया, ये जो आप ये अगर आप डेली कर पाते हैं या फिर हर शनिवार करते हैं तो बहुत लाभकारी है। नहीं तो एटलीस्ट आप डेफिनेटली शनि जयंती के दिन डेफिनेटली कीजिएगा। आपके जीवन में जितने रुकावटें आ रही है ना, आपके रास्ते में, आपकी किसी भी काम में रुकावटें आ रही है, वो 100% दूर होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को डेफिनेटली नीडी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप तक भी ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड शो करिए ताकि आप तक भी ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।